लीडर्स की जो वाइफ साथ आई हैं, जो उनकी बीवियां साथ आई हैं, लाल बिंदी और इंडियन साड़ीज में हमें नजर आ रही हैं, भारत के कल्चर को फॉलो करते हुए बड़े शौक से। कितनी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज वहां पर आई हुई थी और उन्होंने उनको बताया है कि भाई हम एक आइडेंटिटी रखते हैं, हम एक कल्चर रखते हैं, हमारी एक जो है पहचान है, हम इस वजह से जाने जाते हैं। और जो चीज़ वो लोग अपनी कंट्री में प्रमोट करना चाहते हैं वो कितने बड़े स्केल पर वो इस चीज़ को दिखा रहे हैं, ह्यूज सक्सेस। भारत में G20 का सरबराही इजलास हो रहा है और वज़ीर आज़म मोदी की बल्ले बल्ले हो रही है। अक्सर हमने देखा है कि इंडिया अपनी रवायात को, अपनी रसूमात को पूरी दुनिया में प्रमोट करता है और आज इंडिया की ये काविशें रंग ले आई हैं क्योंकि आज पूरी दुनिया इंडिया के रंग में रंगी हुई है। भारत है क्या? सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, भारत का मतलब हमारा ट्रेडिशन, हेरिटेज, कल्चर, जो भी हमारी जो शादी के रवायात हैं हम उनसे ही लेके हम अडॉप्ट की हुई हैं। और हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया अगर G20 के कवरेज नहीं दे रहा तो इसके पीछे वजह क्या, क्या जेलसी फैक्टर है? कि हर एक चीज स्पेशली दैट पानी पूरी एंड दैट इज साउथ की बात करें, डोसा, इडली एंड सांभर। हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। इंडिया अपनी रवायात, अपने रस्म और रवायात जो है उनको रिप्रेजेंट कर। जी, सबसे पहली बात कि मैं समझता हूँ कि जिस तरह G20 की उन्होंने मेज़बानी की है उस हवाले से मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है जो हमारे हमसाय ममालिक के लिए बड़ी एक अच्छी बात है। और हमको देखते हुए हमें भी चाहिए कि हम अपनी इकोनॉमिक इंडस्ट्री को प्रमोट करें, चीज़ों को बेहतर करें। जिस तरह आप बता रही हैं कि उन्होंने वेजिटेरियन के जो फूड्स के हवाले से G20 ममालिक को प्रेजेंट किया और लोगों ने पसंद किया, तो सेम इस तरह भी हमारे कल्चर को लोग पसंद करना चाहिए और चीज़ों को बेहतर करना चाहिए, मैं समझता हूँ। सर, आपको पता है उन्होंने कहा है कि हमें अगर वेजिटेरियन खाना इतना अच्छा है तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम शाकाहारी फूड खाएं? जी बिल्कुल ऐसे ही है, और ज़ाहरी बात है कि हमें भी अपने कल्चर को देखते हुए चीज़ों को बेहतर करना चाहिए और समझते हम कि इस हवाले से कि जिस तरह हमारी भी रवायात हैं हम उसको भी प्रमोट करें, ना कि वो लोग प्रमोट करें और हम अपनी रवायात से पीछे हटते जा रहे हैं। सर, हमारी अपनी रवायात हैं क्या? मुझे तो लगता है कि हमने जो कल्चर, हमारा जो कल्चर है जिसे हम अपना कल्चर कहते हैं, वो ऑलमोस्ट सारा इंडिया से अडॉप्ट किया हुआ हमारा कल्चर। आप हमारे शादी ब्याह, हमारे खाने देख लें, सारा का सारा इंडिया के साथ हमारा रिजेंबल करता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, सबसे पहली बात मैं ये समझता हूँ कि हम अपनी जो रवायात की बात कर रही हैं कि जो भी हमारी जो शादी के रवायात हैं हम उनसे ही लेके हम अडॉप्ट की हुई हैं, वो चीज़ों को छोड़ रहे हैं और हम चीज़ों को अपना रहे हैं। सबसे ड्रॉबैक्स में समय तो कि हमारी यही तबाही की तरफ जा रहा है कि हमारे ड्रॉबैक्स यही सबसे ज़्यादा है कि हम उनके रवायात को अपना रहे हैं, वो अपनी रवायात से पीछे हट रहे हैं। जिस तरह से हम लोग अपने आप को एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी शो करते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारी शादी ब्याह में वो चीज़ें होनी चाहिए कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, और देखा भी जाए तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से फजूलियात में आती हैं, ताकि हम बजाय इसमें कि कवायद शहरी इख्तियार करें हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज़ों में जाके अपनी चीज़ों को ख़राब करें, मैं ये समझता हूँ। पाकिस्तान में आपको पता है बहुत सारी, अगर मैं पंजाब की बात करूँ, लाहौर की, तो यहाँ पर इंडियन फूड के जो हैं वो चेन्स हैं और यकीन करें वाकई में इंडियन फूड जो है वो बड़ा टेस्टी होता है। और आपको पता है कि जो वहाँ पे दुनिया भर के लीडर्स मौजूद हैं उनको साउथ इंडिया का, हैदराबाद का फूड इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है और वो उसको बड़ा पसंद कर रहे हैं। लीडर्स की जो वाइफ साथ आई हैं, जो उनकी बीवियाँ साथ आई हैं, लाल बिंदी और इंडियन साड़ीज में हमें नजर आ रही हैं, भारत के कल्चर को फॉलो करते हुए बड़े शौक से। तो क्या कहते हैं आप, इस वक्त अगर हम बात करें तो भारतीय कल्चर को ऑल ओवर द वर्ल्ड काफी प्रमोट किया जा रहा है। यूएस ने 15 अगस्त को नेशनल डे का नाम दे दिया, फिर हिंदुओं के लिए जन्माष्टमी को नेशनल डे का नाम दे दिया, क्या कहते हैं आप? जी भारत अपनी कहानी बताने के लिए तरस रहा है, धीरे 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 कुछ लोग भारत की बात समझ रहे हैं तो वो भारत को अपनाते हैं। भारत का अपनाने का मतलब किसी का रिजेक्शन नहीं होता। तो भारत है क्या? सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, भारत के जमीन के टुकड़े को जिन लोगों ने अपना अपने अस्तित्व से तोड़ दिया वो उस जमीन के टुकड़े को नाम भी अब नहीं देते, उन्होंने अपना कल्चर ही बदल दिया। भारत का मतलब हमारा ट्रेडिशन, हेरिटेज, कल्चर, आप समझ रहे हैं। सो पॉइंट क्या है इसमें? पॉइंट ये है कि आप जो भारतीय कल्चर और कलर और रंग को देखती हैं, ये एक मतलब ह्यूमंस कैन बी सो क्रिएटिव विद कलर्स, ह्यूमन कैन बी सो सिंक्रोनस विद हिज और हर एनवायरनमेंट। हम किसी को छोटा नहीं मानते, किसी को बड़ा नहीं मानते,